2024 में किसको देखने प्रधानमंत्री, आप किसको वोट देंगे? मैं तो नरेंद्र मोदी को ही दूंगा कि उनके अलावा कोई दूसरा सोचना भी पाप है हम लोग के लिए। मोदी ने सारे देश से गुंडागर्दी हटा दी, यहाँ कोई दूध का धुला नहीं है, सब घोटाले करते हैं, राशन पानी फ्री दे रहे हैं। 5 किलो राशन में आपका गुजारा हो जाता है? नहीं जी, होता तो नहीं है। लेकिन वोट किसको दे? वोट तो मोदी को ही दे। अभी जो स्थिति चल रही है वो बहुत जो अंधभक्ति है इस देश में कुछ इस तरह छाई हुई है कि लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो सरकार है ये सिर्फ लोगों को धर्म के नाम पर बांट रही है, और ये जो सरकार है ये लोगों को किसी ना किसी मुद्दे को उस पर बात नहीं करना चाहती, मुद्दे को भटका देती है किसी भी तरीके से। ये ऐसी सरकार है इसलिए हम इसको बिल्कुल भी लाना पसंद नहीं करेंगे। अपना वोट थोड़ी नहीं खराब करेंगे, चेहरा ही नहीं है अभी। राहुल गांधी तो वैसे ही बेकार है। हम चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन आए, देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होगा, अच्छे लोग सांसद में होंगे तो इस देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। बीजेपी को नहीं देंगे। अरे बेरोजगारी इतनी फैली हुई है, मोदी हटाओ और देश बचाओ। कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ड्रामेबाजी और हवाबाजी और कुछ नहीं। और सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और हो। नमस्कार, मैं रोजा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लक्ष्मी नगर में और लक्ष्मी नगर के बस स्टॉप में इस वक्त मौजूद हूँ। तो हम जानने आए हैं लोगों से कि 2024 में किसको प्रधानमंत्री के लिए चुन रहे हैं वो, क्या अभी भी वो मोदी को ही चुन रहे हैं या फिर जो है सरकार बदलने के उसमें वो चाह रहे हैं। तो इधर हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं सर, क्या लग रहा है 2024 में किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी के अलावा और कौन है? नरेंद्र मोदी को ही देख रहे हैं 101%। क्यों क्यों ये पूछने की चीज़, यूनिवर्सल ट्रूथ है मैम। नहीं बताइए ना, आप किसको वोट देंगे? मैं तो नरेंद्र मोदी को ही दूंगा और लोगों से गुजारिश भी करूंगा कि प्रधानमंत्री उन्हीं को चुने। आज विश्व में जो हमारा नाम है, हमारा देश गरीब था, गरीब है, कल क्या होगा पता नहीं है, लेकिन आज के तारीख में पूरे विश्व में जो हमारी स्थिति है, जो मान सम्मान जो बढ़ा है ड्यू टू नरेंद्र मोदी। उसके अलावा कुछ काम बताइए ना, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए। मैं तो बता रहा हूँ, महिलाओं का तो आरक्षण बिल आपका पास हो गया, पहली चीज है। किसानों, महिला पहलवान को लेके क्या कहेंगे? देखिए जो पहलवान वहलवान के, देखिए राजनीति में हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, राजनीति वगैरह देखिए कहाँ क्या हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी यूनिवर्सल ट्रूथ वही है कि उनके अलावा कोई दूसरा सोचना भी पाप है हम लोग के लिए। सोचना भी पाप है। तो ऐसा क्या करा है मोदी जी ने जो इतने आप उनके लिए वोट दे रहे हैं? मोदी जी के अलावा सोचना भी पाप बोल रहा हूं मैं आपको। एक नहीं, सबसे पहली बात है आप ऊपर से आइए। आज हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर था, धारा 370 के चलते आज ये लग रहा था कि हमारे देश से अलग है। आज हम वहाँ जिस समय गए तो हमको यही लगता था कि हम दूसरे देश में आए हुए हैं, इतनी अराजकता फैली हुई थी। आज धारा 370 हट गया जो कभी कल्पना किसी ने नहीं की। सबसे पहला तो यूनिवर्सल ट्रूथ ये देखिए कि अकाट्य सत्य है, इसमें कोई बोलने की बात नहीं है। दूसरा चीज़ देखिए, हर लोग बोलते थे कि भगवान राम का मंदिर कहाँ बनेगा। राम मंदिर पर किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए कि राम त्रेता युग के थे, उस समय कोई धर्म नहीं था, सनातन के अलावा कोई धर्म नहीं था। आज जितने भी हिंदू हैं, मुसलमान हैं, चाहे जो भी धर्म है, ये सब 2000-2500 वर्ष के पे, लेकिन उस समय तो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ थे। आज उनका मंदिर जो भव्य बना, आज बार बार सवाल ये उठ रहा है कि क्या राम मंदिर से रोजगार मिल जाएगा, हर जो युवा है वो ये पूछ रहा है। मेरी बात को समझिए, प्रयास तो कर रहे हैं ना हम, तो आपको पहले भी बोले आज भी बोल रहे हैं कि हमारा मुल्क गरीब था, गरीब है, लेकिन गरीब रहेंगे नहीं रहेंगे ये तो मोदी जी गरीब नहीं रहने देंगे क्या? ये तो भविष्य। आज देखिए विश्व की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर आ गई, सोचने की चीज है। आज जो वर्ल्ड में हमारा इकोनॉमी है 5वें स्थान पर है, और ये प्लानिंग है कि अगले 27 तक उसको तीसरी अवस्था में लाएंगे। तो भाई ऑटोमेटिक हर आदमी तो कुछ ना कुछ तो तरक्की करेगा ही ना मैम। यहाँ पे और भी लोग हैं, फिर क्या लग रहा है 2024 में किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनते हुए? देखो जी, वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। मैं तो वैसे तो यही है कि मोदी के अलावा तो और कोई चेहरा ही नहीं है। नहीं बताइए ना, आप किसको वोट देंगे? हम तो उसी को वोट देंगे जो सत्ता में रहेगा। मोदी को ही वोट देंगे इसका मतलब? और क्या, कोई उसके अलावा कोई चेहरा ही नहीं है। अपना वोट थोड़ी नहीं खराब करेंगे, जो दिख रहा है। और को वोट देंगे तो वोट खराब हो जाएगा। हाँ ऑब्वियसली। तो कोई और पार्टी नहीं है आपके उसमें? हमारी निगाह में अभी तो कोई पार्टी नहीं है।
तो काम कर सकती देश के लिए? काम कर सके या कोई चेहरा ही नहीं है अभी। राहुल गांधी तो वैसे ही बेकार है। और राहुल गांधी बेकार है? हाँ बिल्कुल। वो गारंटी ले आए हैं युवाओं के लिए 5। क्या गारंटी लेके आए? कोई गारंटी नहीं है। इससे पहले भी तो कांग्रेस रह चुकी है ना 15 साल। उससे पहले क्या हुआ है? 10 साल में ऐसा क्या कर दिया मोदी ने जो आप मोदी को ही वोट दे रहे? कोई और चेहरा ही नहीं है आप बता रहे हैं? हाँ पब्लिक की नज़र में कोई चेहरा ही नहीं है, मतलब मोदी ही आएगा। सर क्या लग रहा है 2024 में क्या आप भी मोदी को वोट देने वाले हैं? हाँ जी मोदी को ही वोट देंगे। मोदी ने ऐसा क्या कर दिया जो हर कोई मोदी को वोट देने के लिए तैयार है? मोदी ने सारे देश से गुंडागर्दी हटा दी थी। गुंडागर्दी हटा दी है इसलिए देश जो है, क्योंकि गुंडागर्दी से बहुत परेशान थे हम लोग, गरीब आदमी बहुत दिक्कत में थे। विपक्ष कह रहे हैं उनके राज में गुंडागर्दी बढ़ी है। नहीं जी हटा दी है उन्होंने, बहुत पाबंदी, मतलब बहुत सुकून मिल रहा और गरीबों के लिए बहुत उन्होंने मतलब सड़कें बना दी, लाइट की व्यवस्था कर दी और खाना वाना फ्री दे रहे हैं, राशन पानी फ्री दे रहे हैं। कम से कम इतना तो कर रहे हैं, बाकी काम तो है नहीं कुछ। काम नहीं है कुछ? नहीं जी काम। फ्री राशन से आप काम चला रहे हैं? अब क्या करा जाए, मजबूरी है जी। सही है ना, मोदी की राज में काम नहीं है लेकिन गरीबों के लिए खाना दे रहे हैं, तो ऐसे काम चल जाएगा? अब गरीबों तो कल भी गरीब था और आज भी गरीब है। खाना तो कम से कम मिल तो रहा है, कुछ तो मिल रहा है, बाकी 5 किलो राशन में आपका गुजारा हो जाता है? नहीं जी होता तो नहीं है, लेकिन अब क्या करें, सहमत करना पड़ेगा। हम लोग कोई नेता वगैरह तो है नहीं है, इतने बड़े वो अधिकारी नहीं है जो उन तक मतलब पहुंच सके। सरकार बदल के देखिए, किसी और को मौका दीजिए। अभी कोशिश करते करते तो बहुत साल बीत गए लेकिन हमने तो ऐसी सरकार कभी देखी नहीं है। लेकिन वोट किसको देंगे जब काम ही नहीं है, 5 किलो राशन से आपका पेट नहीं भर रहा है, गुजारा नहीं हो रहा है, लेकिन वोट फिर किसको देंगे? वोट तो मोदी को ही देंगे। वोट मोदी को ही देंगे? काम नहीं है लेकिन वोट मोदी को देंगे? मोदी को देंगे जी, बहुत राहत है। राहत है फिर क्या लग रहा है, आप एक युवा है तो मतलब क्या मोदी ने रोजगार दे दिया है जो नौकरियों की बात करते हैं? अभी तक तो मुझे कुछ, मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है अभी, पर मैं मोदी जी के काम से अच्छा तो लगता है, हाँ कि अच्छा काम कर रहे हैं, बट एक बार को ये भी है कि आप किसी के बारे में सोचो तो आपको पता चलेगा हाँ कि यहाँ कोई दूध का धुला नहीं है, सब घोटाले करते हैं। पर आप मोदी जी में देखो कि हाँ ये है कि दिल्ली में नहीं है मोदी जी, इस बात की मतलब आप प्रधानमंत्री चुनाव की बात कर रहे हो जी? हाँ लोकसभा चुनाव। ओके तो उसमें तो मोदी जी को देखना चाहेंगे, दिल्ली के बाद हो तो वोट किसको देंगे? वोट अभी मैं 17 साल का हूँ तो अभी तो किसी को दूंगा। अच्छा अभी आपकी उम्र नहीं हुई, वैसे अगर उम्र होती तो क्या लग रहा है जिससे देश की स्थिति चल रही है तो उसमें आप वोट किसको देते हैं? अभी तो मैं किसी को वोट नहीं, जो नोटा होता है, नोटा सुना है जी, तो मैं नोटा में वोट देना पसंद। नोटा में देना, किसी को लायक नहीं समझते? नहीं नहीं मैं किसी, राहुल गांधी को ऑब्वियसली नहीं समझूंगा, उनपे तो मीम बनती है, मीम्स बनती है उनपे, वो कोई बात नहीं। आप भी युवा हैं, आपकी उम्र हो गई होगी 18 साल, तो इस पर क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देख रहे हैं? देखिए मैं एक छात्र हूँ और छात्र की दृष्टि से सोचूंगा और मतदान मेरा अधिकार है तो मैं लोकतंत्र के हित में ही मतदान करूँगा। लोकतंत्र हित में कौन सी सरकार दिख रही है? देखिए मतदान है, मैं वो ओपन नहीं करना चाहता लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं लोकतंत्र के हित में करूँगा और एक छात्र की दृष्टि से जो छात्र के हित में जो अधिकार होने चाहिए, छात्र को मिलने चाहिए, उसके हित में मैं वोट करूँगा। आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, मतलब दो ही पार्टियाँ अभी जो है मेनली जो नज़र आ रही है, इंडिया वर्सेज एनडीए, मतलब प्रधानमंत्री और राहुल गांधी ही नज़र आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है मतलब किसका काम आपको पसंद आ रहा है अभी 10 साल में, किसका काम सही लगा है आपको? देखिए अभी जो स्थिति चल रही है वो बहुत, जो अंधभक्ति है इस देश में कुछ इस तरह छाई हुई है कि लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ आप देख रहे हैं ये जो सरकार है ये सिर्फ लोगों को धर्म के नाम पर बांट रही है और कुछ नहीं। और अगर आप ज़मीनी स्तर पर जाके देखते हैं, किसानों का मुद्दा ही देख लीजिए, अभी किस तरह आंदोलन कर रहे थे, कैसे किसानों के साथ बर्ताव हुआ, तो हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और ये जो सरकार है ये लोगों को किसी ना किसी मुद्दे को उस पर बात नहीं करना चाहती, मुद्दे को भटका देती है किसी भी तरीके से, ये ऐसी सरकार है, इसलिए हम इसको बिल्कुल भी लाना पसंद नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन आए और सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और हो। हाँ, मतलब सत्ता परिवर्तन आप चाह रहे हैं एज अ छात्र, एज अ युवा सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं। यहाँ पे एकदम और भी लोग हैं, उन्हीं से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनते? अब प्रधानमंत्री तो मोदी है, वह आने हैं। नहीं अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो किसको चुनेंगे प्रधानमंत्री, मतलब वोट किसको देने वाले हैं?
वोट तो नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे? आपका वोटर आईडी कार्ड बना है? वोट देंगे लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे। बीजेपी को नहीं देंगे? वोट देंगे बीजेपी को नहीं देंगे, लेकिन बीजेपी को क्यों नहीं देंगे? अरे नहीं देंगे क्या, अपनी अपनी चॉइस है। कोई होगी ना, नाराजगी क्यों है उनसे? अरे नाराजगी नहीं है। नहीं बताइए ना, नाराजगी क्यों है उनसे? क्या काम नहीं करे 10 साल में? अरे बेरोजगारी इतनी फैली हुई है। बेरोजगारी फैली हुई है और क्या, रोजगार नहीं मिल पाया क्या? नहीं रोजगार है ही नहीं। तो उसके अलावा किसको देख रहे हैं फिर, क्या किससे उम्मीदें लग रही है, ये कौन काम करेगा? अरे उम्मीदें तो मालिक जला रहेंगे तो मोदी है प्रधानमंत्री। हाँ। लेकिन अपनी अपनी वो है, विपक्ष की भी है। हाँ। विपक्ष भी नहीं मजबूत, मोदी नहीं तो फिर कौन? अब देखो कौन हो कौन नहीं। ये और भी चेहरे हैं ना प्रधानमंत्री के लिए जो खड़े हो रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है आप मोदी को वोट नहीं देंगे तो उसके अलावा किसको देंगे फिर? मैं तो भाई अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी से यानी इंडिया गठबंधन। हाँ। उनको वोट देंगे? राहुल गांधी को देख रहे हैं ना? तो भाई समाजवादी के हैं, मतलब अखिलेश को। अखिलेश को ठीक है। यहाँ पे एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या लग रहा है कि 2024 में कौन बनेगा इधर प्रधानमंत्री? जिसको जनता चाहेगी वो बनेगा। जनता आप है तो आप किसको चाह रहे हैं? मोदी हटाओ। मोदी हटाओ? मोदी को क्यों हटाएं? मोदी हटाओ और देश बचाओ। मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे तो हमने सुने हैं, लेकिन आप किसको चाह रहे हैं? अगर मोदी नहीं तो फिर कौन? कोई भी बनेगा, आप बता रहे हैं इतने देशवासी, कोई बन जाए क्या दिक्कत है? आपको उम्मीदें किससे लग रही हैं? देखो सभी सभी से उम्मीदें हैं, सब एक जैसे ही हैं। हाँ। किसी को चेंज कर लो लेकिन चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए तो इस बार क्या लग रहा है 10 साल में क्या कुछ नहीं करा ऐसा प्रधानमंत्री? कोई काम नहीं, कोई काम, कुछ काम नहीं करा, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ड्रामेबाजी और हवाबाजी और कुछ नहीं। आपने देखा मणिपुर, मणिपुर की स्थिति आपने देखी किस तरह से मणिपुर आग में जलता रहा, प्रधानमंत्री ने एक भी कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मणिपुर के बारे में चर्चा की आज तक? नहीं की, क्योंकि और मेरा मानना यह है कि अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होगा, अच्छे लोग सांसद में होंगे तो इस देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है क्या? देखिए पढ़े लिखे हैं लेकिन उस हद तक पढ़े लिखे नहीं है उनकी, मतलब मुझे लगता है और पढ़ा लिखा युवा होना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। ये थी जनता की राय कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ लोग जो है एनडीए के पक्ष में है तो कुछ इंडिया के पक्ष में, लेकिन काफ़ी हद तक देखा जाए तो लोगों में बदलाव की उम्मीद दिख रही है कि इस बार बदलाव होगा शायद 2024 के लोकसभा चुनाव में। साथ साथ नारा भी दे दिया है कि मोदी हटाओ और देश बचाओ कह रहे हैं। तो इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।